अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद शाह नदीम एक और वीडियो में आप लोगों के पेशे खिदमत हाजिर हूँ। 80% लोग जो हैं उनका एक्सरे का मसला आता है और आप लोगों के सबसे ज़्यादा सवालात भी यही आते थे कि एक्सरे जो है उसको किस तरह क्लियर किया जाए। आज नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये एक्सरे जो है ये लोगों के मसाइल क्यों आते हैं और इनका क्या हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीर साहब क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, फिट फाट। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, मुख्तसर ये बताएं सबसे पहले आपको कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? मुझे इस फील्ड में तकरीबन 18 साल हो गए। सबसे ज़्यादा लोगों के एक्सरे में मसाइल क्यों आते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। सबसे ज़्यादा लोगों के मसाइल इस वजह से आते हैं कि जिनको कई दफ़ा जो चोट लगी होती है ये गिरे होते हैं, उसकी वजह से वो लोग दोबारा अपना चेकअप नहीं करवाते, जिस वजह से ये ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। मिसाल आपको फीवर होता है, आपने कभी एक्सरे नहीं करवाया होता, और कई दफ़ा आपको जो है एलर्जी हो रही होती है तब भी आप एक्सरे नहीं करवाते। इस वजह लोग खुद ही डॉक्टर बने हुए होते हैं, लोग अपने थ्रू खुद जो है वो मेडिकेशन लेते हैं और जिस वजह से ये इश्यूज बनते हैं। एक और जो सबसे ज़्यादा मसला आता है, लोग कहते हैं हम बाहर किसी सेंटर से मेडिकल कराते हैं तो हमारा ठीक आता है, लेकिन जब हम गैमका में जाते हैं वो हमें अनफिट कर देते हैं। उसके लिए ये है कि गल्फ़ की जितनी कंट्रीज़ हैं उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, जिस वजह से वो जो चीज़ें वो देखते हैं वो आम मतलब आपकी फील्ड में या आपकी लाइफ में उसका कोई इशू नहीं होता। उसको मतलब आपके सांस लेने में या कोई और बीमारी इशू होने में उसका वो कोई इशू नहीं। गल्फ़ कंट्रीज़ ये है कि वो कहते हैं कि अगर कोई सुई के बराबर निशान है तो वो भी जो है वो इशू है। कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि बंदों को क्या मसले आते हैं और उनके लिए क्या उन्हें करना चाहिए? अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक एक्सरे है जो हमने आपके सामने लगाया हुआ है, इसमें इस बंदे को प्लूरल इफ्यूजन है, एपिकल ट्रूलर थिकनिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली कोई इशू नहीं है, मगर ये है कि ये मेडिकेशन से ठीक होने वाली चीज़ है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ें आपकी पैदाइशी होती हैं, जैसा कि ये, इसमें ये है कि ये आपका डायफ्राम छोटा है, एक साइड आपकी पूरी है और एक डायफ्राम आपका छोटा है, ठीक है। ये आपका पैदाइशी इशू है, इसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं है। बेसिकली ये आपका एक्सरे बिल्कुल ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल आप बीमार होते हैं और आप जो है उसमें अपने थ्रू कोई मेडिकेशन लेते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये एक बैंड शेडो है, ये बगैर किसी इलाज के, ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है ये वाली, ये बैंड शेडो कहलाता है, ठीक है। इसके लिए ये है कि जब तक आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते तो ये फिक्स हो जाएगी यहाँ पर। जब फिक्स हो जाएगी तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये क्लियर नहीं होती। लोगों को क्या मशवरा देंगे आपके, वो इस एक्सरे के मसाइल से बचने के लिए क्या करें? सबसे बेहतर ये है कि जब भी आपको कोई इशू होता है तो आप पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको दिखाएं, वो जो जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी समझता है वो आप इस्तेमाल करें। अपने थ्रू कोई भी चीज़ गूगल से सर्च करके या ऐसी चीज़ मत खाएँ जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। ये नसीर साहब थे जी, इनको 18 साल हो गए इस फील्ड से रिलेटेड, एक्सरे की फील्ड से, और ये गल्फ़ के जो एक्सरेज होते हैं वो भी इन्हें तजुर्बा है कि किस तरह चेक होते हैं और क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। यही मशवरा आपको है कि जब भी आपने मेडिकल कराना हो गल्फ कंट्री किसी के लिए भी, आप एक दफ़ा अपना पहले चेकअप कराएँ, अपना एक्सरे करवाएँ और उसके बाद जाके मेडिकल कराएँ, ताकि आपका मसला ना आए। क्योंकि अगर एक दफ़ा GCC की किसी भी कंट्री के लिए आपका कोई मसला निकल आता है तो फिर आपके लिए बहुत मसाइल होते हैं और आपका मेडिकल जो है वो बहुत मुश्किल होता है कि क्लियर हो जाए। अगर आप अपना एक्सरे चेकअप कराना चाह रहे हैं आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, आपका एक्सरे इंशाल्लाह करवाएंगे और आपको मुकम्मल GCC के हवाले से बताया जाएगा कि आपके एक्सरे में कोई मसला है या नहीं है। एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक में फिर इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शाह नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।